मैं गौरव और स्वागत है हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी हब पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको रीसेलिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों रीसेलिंग बिजनेस आजकल बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और दोस्तों आजकल लोग आप देखते होंगे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू प्रोडक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिए हैं, खासकर कपड़ों के प्रोडक्ट्स हो गए या फिर जूते हो गए या नए नए फोन्स हो गए, तो ये काफी ज्यादा ट्रेंड में बढ़ रहा है। तो रीसेलिंग का बिजनेस है क्या? तो दोस्तों ऐसे बहुत से एप्स हैं और ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जिनके ऐप है जिनके थ्रू वो लोग रीसेलिंग की बिजनेस करते हैं। मतलब लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लोगों तक नहीं पहुंचाते, वो आप वहां से प्रोडक्ट लेकर वो चाहते हैं कि कोई और उनके प्रोडक्ट्स बेचे। अभी कैसे होगा दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐप्स बताता हूं, जैसे कि मीशो MEESHO और दूसरा Shop 101। तो दोस्तों ऐसे कुछ ऐप्स है जहां पर आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली रीसेलिंग साइट होती है। तो यहां से होता है कि आप प्रोडक्ट उठाओगे, उसके बाद आप उसको अपने जो प्लेटफॉर्म के थ्रू बेच सकते हो। तो दोस्तों इसमें होता कैसे है, तो इसके लिए आप पहले तो वो ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद वहां पर जाकर अपनी प्रोफाइल बनाओगे। उसके बाद दोस्तों आप वहां पे कोई भी प्रोडक्ट लोगे, जैसे कोई कपड़ा हो गया, तो चलिए मान लेते हैं कि जैसे कोई शर्ट है वो आप ले रहे हो बेचने के लिए, तो शर्ट की रेंज मान लीजिए 400 रुपए है मैसो पर। तो उसपे आप क्या करोगे, उसपे आप मार्जिन रेट बढ़ा दोगे, यानी आप अपना एक्स्ट्रा जोड़ दोगे। मान लीजिए 400 का है तो आप उसपे 100 रुपए और जोड़ के 500 कर दोगे। बाद में उस शर्ट को आप लोग इंस्टाग्राम पे अपनी कोई अगर आपने पेज बनाया है तो वहां पर जाके डाल सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, या फेसबुक पर, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप कहीं पर भी आप जाकर उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट जब लेगा तो आप फिर उस प्रोडक्ट को उस 500 रुपए में आप जब उसका सीओडी एड्रेस लोगे आप उसको सीओडी दे दोगे। उसके बाद मैसो आपको आपका जो अमाउंट है 100 रुपए आपके प्रॉफिट वो आपको भेज देगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पे पेज बनाना है। सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम क्योंकि इस पे काफी ज्यादा लोग होते हैं। इस पे आप कोई भी किसी नाम यूजर नेम से अच्छी शॉपिंग साइट्स के नाम से आप पेज बनाओ। उसके बाद आप क्या करो, वहां से आप मैसो हो गया या Shop 101 वहां से आप जाओगे, कपड़े उठाओगे या जो भी चीज वो लोग अच्छी प्रोडक्ट देते हैं। एक बात दोस्तों याद रखिए, आप वही प्रोडक्ट बेचिएगा जो काफी अट्रैक्टिव है, काफी नया है, लोगों के बीच काफी नया है, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं इधर भीड़ बहुत ज्यादा है तो आपको काफी भी छांट छांट के प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स उठाओ और दोस्तों मार्जिन रेट बहुत ज्यादा हाई मत रखो। मतलब अगर कोई 400 का है तो उसको 100 या 150 ही ज्यादा रखो, ज्यादा हाई मत करो क्योंकि आप लोगों को इस तरह ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। उसके बाद उसकी सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिलेंगी, आप वहां सारी डिटेल्स उठाओ। उसके बाद दोस्तों आप उसका प्राइस मेंशन मत करना, आप वहां पर लिख देना डीएम फॉर द प्राइस, ताकि जो भी आपसे लेना चाहेगा कस्टमर वो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितना प्राइस है। उसके बाद हैशटैग अलग अलग टाइप के यूज करो दोस्तों, कोई भी अच्छे मतलब गलत हैशटैग मत यूज करना क्योंकि उसमें फिर कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, तो इस चीज का आप ख्याल रखना। उसके लिए भी एक टैक्स नाम का एक ऐप आता है, वहां से आप टैक्स ले सकते हो, फैशन स्टाइल के टैक्स लेकर आप वहां से यूज कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों जब आपने इंस्टाग्राम पेज बना दिया, उसके बाद आपने एक वहां से प्रोडक्ट्स लिए और पोस्ट डाले, दोस्तों मैं बता दूं अक्सर मोस्ट ऑफ द जो होता है डिलीवरी चार्जेस में बहुत कम लगते हैं, तो वो चीज भी आपको देखकर अपना मार्जिन रेट आपको फिक्स करना पड़ेगा। एक बात और दोस्तों, प्रोडक्ट्स जो भी आप बेचो अच्छे बेचो, मतलब बेकार प्रोडक्ट्स ना बेचो, अट्रैक्टिव बेचो ताकि लोगों को पसंद आए। सीजन के हिसाब से बेचो, फेस्टिवल के हिसाब से बेचो, जैसे जो फेस्टिवल आ रहा है तो उसी रिलेटेड चीजें डालो, उसी रिलेटेड पोस्ट डालो। और इस पे करीबन करीबन आप सोच लो कि डेली के आप 20 से 25 पोस्ट डेली डालो, ताकि लोगों के बीच मतलब कि आप नए नए प्रोडक्ट्स आए तो लोगों के बीच जाए। इससे अपने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करो दोस्तों। अगर आप इतना करते हो तो इसमें आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटे आप अगर देते हो, तो मैं आपको बताता हूं अगर आपका पेज एक बार लोगों के बीच आ गया तो आप इसे आराम से 10,000 प्लस अर्निंग कर सकते हो पर मंथ घर बैठे बैठे, यानी आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। ये खास बात यह कि इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, मतलब आपको एक भी रुपए लगाने नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अपना इन्वेस्टमेंट देना है तो वो टाइम। दोस्तों आपको टाइम के थ्रू इसमें आपको बस करना कुछ नहीं है, इस ऐप से प्रोडक्ट लेने हैं और इधर आपको बेचने हैं। दोस्तों एक बात और, कभी भी ये ना बताएं कि आप कहां से प्रोडक्ट ले रहे हो, मतलब कोई भी अगर आपसे पूछे तो आपको ये नहीं बताना है कि आप इन ऐप से ले रहे हो, आपको बस ये कहना है कि ये आपको इस सीक्रेट रखना है कुल मिलाकर ये बात। तो दोस्तों ये चीज बहुत ही आसान है और बहुत ही नया है, तो आप इसके थ्रू आराम से अर्निंग कर सकते हो और घर बैठे आराम से 10,000 प्लस 20,000 प्लस अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है रीसेलिंग से, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो लोग घर बैठे इनकम करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टार स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।